देखना है ना, तो मैं पहले पहले क्या करता हूँ दोस्तों, लाइक पहला रूल है कि 11 बजे के बाद एक्सपायरी थी, हीरो जीरो खेलना है 11 बजे के बाद ही आपको हीरो जीरो ट्रेड लेना है, 11 या फिर 11:30 के आसपास। क्यों? क्योंकि मार्केट खुलने के बाद होता क्या है कि दोस्तों जो 1-2 घंटा रहता है ना वहां पे प्रीमियम मेल्ट हो जाता है, यानी कि कोई प्रीमियम अगर 50 रुपए पे चल रहा है ना वो मेल्ट होते होते 30 रुपए आ जाते हैं, 20 रुपए, यानी कि लो प्राइस पे। तो पहला दोस्तों एडवांटेज क्या है कि हम 11, 11:30, 12 बजे के बाद लें, सो देट हमें क्या मिले, लो कॉस्ट पे, लो कॉस्ट पे हमें हीरो जीरो कहीं ना कहीं प्रीमियम खरीदने को मिले, ठीक है, क्योंकि रिस्क वहां पे कम रहेगा। दूसरी बात, मैं हमेशा देखता हूं दोस्तों 11, 12:30 के बाद कुछ डब्लू पैटर्न बन रहा है क्या, या फिर अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो क्या ऊपर की तरफ नीचे की तरफ रेंज में ड्रॉ कर देता हूं, क्या ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, क्या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर रहा है, तो मैं ब्रेकआउट फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। होप आप समझ पा रहे हैं, मतलब 11:30, 11:00 ना मैं क्या करता हूं, अच्छा मार्केट खुला है, साइडवेज हुआ है, तो चलो यार हाई मार कर लेता हूं, लो मार कर लेता हूं, इसके बाद अगर साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है तो डेफिनेटली यहां पे होता क्या है कि ऊपर से कॉल राइटर कॉल सेल करते हैं, नीचे से पुट राइटर पुट सेल करते हैं, बीच में मार्केट घूम के उसके बाद अगर वॉल्यूम के साथ जिस साइड ब्रेकआउट देता है ना, तो जैसे ही कॉल राइटर का एसिलिट होता है ये बनता है हीरो, यानी कि बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जाना लगता है, जैसे कल के दिन हुआ था, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, पुट राइटर का हालत खराब, अरे हुआ क्या, और मार्केट नीचे आ जाता है। तो पहला कंडीशन 11, 11:30, 12 बजे के बाद, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। दूसरा कंडीशन दोस्तों, हमेशा मैं डब्ल्यू पैटर्न, आप समझते होंगे डब्ल्यू पैटर्न, फाइंड आउट करता हूं कि कहां से रिवर्सल मिल रहा है क्या, तो यहां पे मैं बाय करूं छोटा सा सेल देके, एम पैटर्न कुछ मिल रहा है क्या, ये सब मैं फाइंड आउट करने लगता हूं। तो ये इसी हिसाब से दोस्तों मैं हीरो जीरो, और हमेशा हीरो जीरो अगर मैं लेता हूं तो 20-30 रुपए का ही प्रीमियम लेता हूं। कल के दिन देखिए, कल के दिन मैंने 11:33 पे, 11:00 ये देखिए, यहां पे मैंने कॉल बाय करने को दिया था। आपको जो सिखाता हूं ना भाई वही मैं यूज करता हूं आपके सामने, देखिए अब मैं क्या बोला था कि मैं डबल पैटर्न फाइंड आउट करता हूं, आप खुद देख लीजिए कल के दिन मार्केट यहां पे खुला, फिर निफ्टी की बात कर रहा हूं, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाके, फिर नीचे आके, फिर ऊपर, क्या बन रहा है ये आप जरा देख लीजिए। सिंपल बात है, मैं 11:33 पे ट्रेड दिया अपने पेड़ वाले ग्रुप पे, तो 11 बजे के बाद इंडिया रूल को मैंने फॉलो किया। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों एक डबल पैटर्न बना कि नहीं, देखिए कंप्लीटली डबल पैटर्न बन रहा है, मतलब एक बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक डबल पैटर्न बन रहा है। तो बस इसको मैंने देखा कि अच्छा मार्केट गैप अप खुला है और साइडवेज हो रहा है, डबल पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैंने दे दिया यहाँ पे कॉल बाय करने के लिए 19,600 का कॉल बाय करने के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस तो दोस्तों बहुत छोटा सा था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट का सेल था, सिर्फ 25 रुपए बाय किया, 10 का था। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, मतलब क्या हुआ तेरा वादा यार, कुछ ना कुछ गाना याद आ जा रहा है क्योंकि मजा आ गया था कल के दिन, पूरे 8 गुना हुआ था। तो ये बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट रहता है, होप आप समझ गए। पहले ब्रेक